नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकर। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सुरक्षाकर्मी का क्या मुख्य भूमिका होता है, और इस मुख्य भूमिका को अगर आप जानेंगे तो फिर आप एक अच्छा मतलब सक्सेसफुल सुरक्षाकर्मी बन सकते हैं, और दूसरा जो है अपना यूनिट का सुरक्षा जो है वो आप अच्छी तरह उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो न्यू विजिटर्स जो कि आप पहला मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, साथ में ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक सुरक्षाकर्मी का जो है सुरक्षा प्रदान करना मुख्य जो है ये काम होता है। तो किसका सुरक्षा प्रदान करते हैं? पहला जो है व्यक्तियों की सुरक्षा, मीन्स जीवन की रक्षा करना। दूसरा जो है प्रॉपर्टी की सुरक्षा, जो कि संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना। देन थर्ड जो है तथ्य की सुरक्षा, मीन्स इंफॉर्मेशन की रक्षा करना। तो दोस्तों ये 3P, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सुरक्षाकर्मी का। लेकिन एक सुरक्षाकर्मी को ये भी पता होना चाहिए कि उनका मुख्य भूमिका क्या है, इसके ऊपर जो है मैं आज आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, पहला जो है वो है कोई भी नुकसान ना हो और कोई भी चोरी ना हो उसको रोकना, और साथ में इसको डिटेक्ट भी करना, मीन्स उसको पता भी लगाना कोई चोरी तो नहीं हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट जो है भूमिका वो है कोई भी अनऑथराइज एंट्री, मीन्स अनधिकृत प्रवेश नहीं होना चाहिए, उसको रोकना भी चाहिए, और साथ में ऐसे गतिविधि अगर आपको नज़र में आए तो तुरंत उसका जो है आपको एक्शन लेना है, आपको रिपोर्टिंग भी करना है, साथ में उसको उनको पकड़ना भी है। नेक्स्ट जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उस यूनिट का किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करना, ये नेक्स्ट जो है एक बड़ा आपका मुख्य भूमिका है। दोस्तों लास्ट जो है कोई भी उल्लंघनकर्ता को अगर आपको नज़र में आता है तो तुरंत उसका रिपोर्टिंग करें, और साथ में उनको पकड़ना भी आपका काम है। तो ये जो चार मुख्य भूमिका है आपका, अगर आप इतना मतलब कहना है आप इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आप बेहतर मतलब अपना यूनिट का सुरक्षा आप दे पाएंगे। तो दोस्तों एक अच्छा सुरक्षाकर्मी और एक सक्सेसफुल सुरक्षाकर्मी बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मेन रोल मतलब सुरक्षाकर्मी का क्या है, इसके ऊपर जो जानकारी मैंने आपको दिया, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अच्छी तरह अपना जो जिम्मेवारी है वो निभाइए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।